अरे मैं आ जाओ, जल्दी जल्दी चले आओ, जल्दी जल्दी चले आओ। मेरा घोड़ा गाड़ी आगे से उठ गया और उसके साथ घोड़ा भी उठ गया। अरे अखिलेश, घोड़ा गाड़ी पे ऐसी बैठे रहोगे? आओ जल्दी उतरो और आगे से दबाओ। अरे राहुल आ गया, राहुल जल्दी दबाओ, आगे से घोड़ा गाड़ी को दबाओ। ये देखो मेरा घोड़ा आगे से लटका पड़ा है। अरे क्या मोदी जी, अपना घोड़ा गाड़ी पे इतना वजन लादते क्यों हो? मैं आपकी घोड़ा गाड़ी पे पूरा आगे लटक गया, लेकिन आपका घोड़ा अब भी पैसे का पैसे लटका हुआ है जैसे लटका हुआ था। घोड़ा गाड़ी नीचे ही नहीं हो पा रहा है, कितना वजन है इसमें लदा हुआ। अखिलेश यूं ही बैठे बैठे तमाशा देखते रहोगे? ये देखो आगे राहुल लटक गया, फिर भी घोड़ा गाड़ी सीधा नहीं हो पा रहा है। आ जाओ लटक जाओ तुम भी, क्योंकि घोड़ा गाड़ी के पीछे वजन ज्यादा हो गया, इसीलिए वो आगे से उठ गया घोड़ा गाड़ी और साथ में घोड़ा भी लटक गया आगे। अरे अखिलेश जल्दी आओ, आगे तुम भी लटक जाओ, पीछे से वजन कम हो जाएगा, आगे ज्यादा हो जाएगा, फिर ये घोड़ा गाड़ी सही हो जाएगा। आ जाओ। अरे मोदी जी, अब कह रहे हो कि आगे आ जाओ घोड़ा गाड़ी के? मैं कह रहा था घोड़ा गाड़ी में वजन कम ला दो, लेकिन तुमने मेरी एक बात नहीं मानी। इतना वजन लाद लिया कि घोड़ा गाड़ी आगे से उठ गया और घोड़ा भी उठ गया। अरे मैं इस घोड़ा गाड़ी से उतर नहीं पा रहा हूँ, किसी दूसरे को बुला लो। वो देखो पीछे योगी इंस्पेक्टर जी आ रहे हैं, उन्हें बुला लो मोदी जी। अरे योगी सर जी जल्दी आ जाओ, जल्दी चले आओ, जल्दी आके मेरा घोड़ा गाड़ी के आगे लटक जाओ जैसे राहुल लटका हुआ है, क्योंकि पीछे ज्यादा वजन होने की वजह से मेरा घोड़ा गाड़ी आगे से उठ गया। अरे मोदी जी, पहले तो मैं तुम्हारा घोड़ा गाड़ी ठीक कराता हूँ, क्योंकि तुम्हारा घोड़ा आगे से लटका हुआ है, उसके बाद तुम्हारा चालान काटूंगा। अपने घोड़ा गाड़ी पे इतना वजन लादते हो, ओवरलोड का चालान काटूंगा मैं। अरे योगी सर जी, आप वापस चले जाओ, हमें ऐसे सहायता की जरूरत नहीं है जिससे उल्टा और हम दिक्कत में पड़ जाएं। आप कह रहे हो घोड़ा गाड़ी सीधा कराने के बाद चालान काटोगे मेरा? हम घोड़ा गाड़ी सही करने के लिए किसी दूसरे को बुला लेंगे, आप चले जाओ। मोदी जी, अगर आप किसी दूसरे को भी बुलाओगे, बुलाओ किसी दूसरे को, जब तक वो घोड़ा गाड़ी सही नहीं करा देता तब तक मैं यही खड़ा रहूंगा, फिर तुम्हारा ओवरलोड पे चालान काटूंगा। अरे कैसी मुसीबत में डाल दिया तुमने, आ जाओ सीधा करा दो तुम ही घोड़ा गाड़ी को, लेकिन आज मुझे छोड़ दो, आज के बाद मैं अपना घोड़ा गाड़ी पे ज्यादा वजन नहीं ला दूंगा। महीनों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अरे मोदी जी, ये क्या अजूबा बना दिया, ना ये घोड़ा गाड़ी है ना ये बैलगाड़ी है। तुमने एक तरफ बैल लगा दिया है, एक तरफ घोड़ा लगा दिया है, तो इसको क्या नाम दें, घोड़ा गाड़ी या बैलगाड़ी, बताओ। अरे योगी जी, इस कारनामे को मैंने अपने हाथों से बनाया है, आप इसे कुछ नाम ना दे तो ही बढ़िया है, फिर भी अगर कुछ कहना चाहते हैं तो घोड़ा बैल गाड़ी कह सकती हो इसे, क्योंकि इसमें घोड़ा भी है, बैल भी है और गाड़ी भी है। अरे मोदी जी, तो मुझे क्यों ना बैठाओ इस पे, मैंने बैलगाड़ी की भी सैर की है, घोड़ा गाड़ी की भी सैर की है, आज मैं घोड़ा बैलगाड़ी की सैर एक साथ करके देखना चाहता हूँ, मुझे बैठा लो। देखो भाई, इसमें एक सीट लगी हुई है, उस पे सिर्फ मैं ही बैठ सकता हूँ, कोई दूसरा नहीं बैठ सकता, मैंने इसीलिए एक ही सीट लगाई है इस पे बैठने के लिए, कोई दूसरा ना बैठ सके। अरे मोदी जी, तो तुम उतर जाओ, मैं चलाता हूँ, मैं बैठ जाता हूँ, मैं चला के देखता हूँ आपकी घोड़ा बैलगाड़ी। अरे कैसी बात करते हो योगी जी, जो आगे घोड़ा है सिर्फ मेरी बात मानता है और ये बैल है बराबर में, ये तो बहुत ही खतरनाक है, ये तो दूसरे की बात सुनता ही नहीं है, इसीलिए तुम इन दोनों को नहीं चला पाओगे। अरे राहुल इंस्पेक्टर जी आ गए। रोको, अपने कारनामे को यहीं पे रोको। अरे मोदी जी, एक से एक नए कारनामे ईजाद करते रहते हो, ये क्या बना दिया तुमने, एक तरफ तुमने घोड़ा लगा दिया है, एक तरफ बैल लगा दिया है। अरे राहुल सर जी, मैंने इसे घोड़ा बैलगाड़ी का नाम दिया है जो मैंने ये कारनामा बनाया। अरे तुमने घोड़ा बैलगाड़ी का तो नाम दिया है इसे। देखो रोड पर घोड़ा गाड़ी चलने की परमिशन है, बैलगाड़ी चलने की परमिशन है, लेकिन ये घोड़ा बैलगाड़ी इसको कैसे चला सकती हो तुम, इसकी परमिशन लेना होगी तुम्हें। तुमने एक ही गाड़ी में दोनों को ज्वाइंट कर दिया, घोड़े को भी बैल को भी। अरे राहुल सर जी, इसमें काहे की परमिशन लेना पड़ेगी, ये तो देसी जुगाड़ है, मैंने अपने घर पे बनाया है, ये घोड़ा भी मेरा है, बैल भी मेरा है, मैं इन्हें एक साथ चलाऊं या अलग अलग चलाऊं, एक ही बात है। चलो ठीक है, एक ही शर्त पे मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ, एक बार मुझे भी इस पे बैठा के दिखाओ, मैं बैठ के देखना चाहता हूँ कैसा लगता है घोड़ा बैल गाड़ी पे बैठ के एक साथ। अरे हमने आपको कब मना किया है, आ जाओ बैठ जाओ, यहाँ पर आके बैठ जाओ घोड़ा का बैलगाड़ी पे। आओ राहुल जी। अरे मोदी जी, कैसा सियासी खेल खेलती हो, अभी तुमने मुझे बैठाने को मना किया इस पे और अब राहुल सर को बैठाने को कह रहे हो। और भाई लोगों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। कल मैंने आप लोगों को जो सबक दिया था वो याद कर ले। राहुल तुम खड़े हो जाओ, जीरो का पहाड़ा सुनाओ। अरे मम्मी जी, जीरो का पहाड़ा तो याद है नहीं मुझे, जीरो का पहाड़ा याद था भूल गया। अरे राहुल तू जीरो का पहाड़ा भूल गया, चल खड़ा रहे ऐसी, जब तक तू मुझे जीरो का पहाड़ा नहीं सुना देगा तब तक यूं ही खड़ा रहेगा।
लेकिन सोनिया जी, राहुल तो आपका बेटा है, उसे इतना परेशान क्यों कर रही हो? याद कर लेगा जीरो का पहाड़ा? मोदी जी, राहुल बेटा होगा घर पर, यहाँ पर मैं टीचर हूँ और राहुल एक स्टूडेंट है, समझे? अगर इसे याद नहीं निकलेगा तो मैं यूं ही परेशान करूंगी। अच्छा तुम बताओ, तुम सही खड़े हो गए मोदी जी, दूध का दूध पानी का पानी, इस मुहावरे को उदाहरण दे के समझाओ। अरे कैसी बात करती हो सोनिया जी, दूध का दूध पानी का पानी, ये तो मुहावरा ही गलत है। दूध में मिले हुए पानी को कौन अलग कर सकता है? मैं आपको दूध में पानी मिला के देता हूँ, आप अलग करके दिखाओ दूध का दूध पानी का पानी, तो जानू मैं। अरे मोदी जी, ये तो तुमने उल्टा मुझे पास दिया, लगता है गलत मुहावरा पूछ लिया तुमसे मैंने। अच्छा दांतों तले उंगली दबाना, इस मुहावरे को उदाहरण दे के समझाओ। अरे सोनिया जी, ये तो बहुत ही आसान है, बहुत आसान मुहावरा पूछ लिया आपने मुझसे। कल मैं दाल चावल खा रहा था मस्त तरीके से, बिल्कुल टेंशन फ्री होकर, अचानक मेरी उंगली दांतों तले दब गई। इसी को कहते हैं दांतों तले उंगली दबाना। अच्छा ममता दीदी, आप बताओ, दांत खट्टे करना, इस मुहावरे का उदाहरण दे के बताओ। अरे सोनिया जी, ये तो बहुत ही आसान है, अभी कुछ दिन पहले मैंने इमली का पानी इन मोदी जी को पिला दिया था, तो इनके दांत खट्टे हो गए थे, इसी को कहते हैं दांत खट्टे करना। हाँ सोनिया जी, ये बिल्कुल सही कह रही है ममता दीदी, मैं इनके घर गया हुआ था, मैंने एक गिलास पानी मांगा, इन्होंने इमली वाला पानी पिला दिया, मेरे तुरंत दांत खट्टे हो गए, और कम से कम एक महीना दांत खट्टे रहे ममता दीदी मेरे, तो मैं बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए था। वैसे सोनिया जी, हमारे पेपर कब है? कम है पेपर हमारे, बताओ, हम उसी हिसाब से अपनी पेपर की तैयारी करें, पढ़ाई करें उसी हिसाब से। अरे मुझे 2 दिन तो स्कूल खोले हुए हुए हैं, और 2 दिन में ही पेपर कर दूं मैं, ये बताओ। अरे सोनिया जी, जब तुम हमें 2 दिन में नहीं पढ़ा पाई तो आगे क्या पढ़ा पाऊंगी, हमारे पेपर ऊपर करके अलग करो। भाई लोगों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। नहीं सर जी, हम अपनी स्कूटर को बिल्कुल नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे, आप हमारी स्कूटर को यूं ही उठा के नहीं ले जा सकते, ये क्या बात हुई? क्या बात करते हो, रास्ते में स्कूटर खड़ी करके चले गए बीच रोड पे, और कहते हो जाने नहीं दोगे। देखो भाई, जिद करने से कोई फायदा नहीं है, रोड पर जितनी स्कूटर मोटरसाइकिल या कार जो भी खड़ी हुई थी, हम सबको ले जा रहे हैं, अब आराम से थाने आओ, थाने से अपनी स्कूटर छुटा लेना। अरे भाई, फिर कम से कम आपको एहसास तो होगा कि बीच रास्ते में स्कूटर नहीं खड़ा करना चाहिए। अरे वैसी जी, मैं आपसे कह रहा तब बेफालतू में रोड पे खड़ी करके मत जाओ स्कूटर को, अब तुमने करवा दिया ना लफड़ा, स्कूटर से आए थे, अब पैदल जाएंगे थाने तक, और ये थाने से छुड़ा के लाना पड़ेगी स्कूटर। अरे अखिलेश, ज्यादा बातें मत बनाओ, अरे तुम्हें जूतों की इतनी जरूरत थी, तुम्हारे जूते ही तो लिवाने के लिए गया था मैं। जूते लिवाने गए थे उवैसी जी, तो क्या हुआ, उससे ज्यादा का तो आपने नुकसान करवा दिया। मैं तो ये कह रहा था कि 10 रुपए दे के पार्किंग में खड़ा कर दो स्कूटर को, लेकिन तुम बोले बाहर खड़ा कर देते, कोई दिक्कत नहीं होगी। लो अब होगी दिक्कत। अरे स्कूटर तो मेरी है, मुझे खर्च करना पड़ेगा इसे छुड़ाने में। अरे सर जी, छोड़ को ना दो इस स्कूटर को। अरे भाई, ऐसे कैसे छोड़ दें, और भी तो स्कूटर है हमारे पास, ऐसे वो सब लोग भी कहने लगेंगे कि हमारी स्कूटर छोड़ दो। एक बार कम से कम तुम लोगों को सबक मिलना चाहिए, उसके बाद तो तुम स्कूटर रोड पे खड़ा नहीं करोगे, और तुम्हें यूं ही छोड़ दिया, तुम्हें सबक नहीं मिल पाएगा। गलत बात है सर जी, आप आम जनता को यूं ही परेशान कर रहे हो। अरे इन्होंने स्कूटर रोड पे खड़ा कर दिया, तो इसका ये मतलब थोड़ी आप उठा के ले जाओगे। अरे भाई, आप कौन हो, आप बीच में क्यों बोल रहे हो, और बोलो कम से कम सही तो बोलो, हम आम जनता के ही लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। अगर ये सब लोग अपनी मोटरसाइकिल, साइकिल, कार रोड पे खड़े करेंगे तो जाम लग जाएगा, उससे परेशानी किसको होगी, आम जनता को ही तो होगी। वैसे सर जी, हमारी मोटरसाइकिल बिल्कुल रोड पर नहीं थी, थोड़ी अंदर को थी रोड से, इस बार हमें छोड़ दो, आगे हम रोड पे खड़ी करेंगे ही नहीं, ये वादा है हमारा आपसे। चलो योगी जी और राहुल, इनकी स्कूटर छोड़ दो, ये इतनी कोशिश कर रहे हैं और वादा भी कर रहे हैं कि आगे स्कूटर रोड पे खड़ी नहीं करेंगे, छोड़ दो इनकी स्कूटर। माय लोगों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।